अरे इन लोगों को क्या हो गया गाइस, ये एक साथ भाई सारे के सारे की भाग रहे हैं। हेलो भाई लोगों, तुम्हें क्या हो गया? और उस बंदे को देखो भाई, वो तो पागल ही हो गया, टेबल पे चढ़ के भाग रहा था। पता नहीं क्या हो गया गाइस इन लोगों को। लेट्स गो भाई, मैं तो घर की तरफ जा रहा हूँ। और एक बार गाइस मेरी गाड़ी की हालत देखो भाई, क्या हो चुकी है। जल्दी गाइस मेरे को भाई एक न्यू कार भी परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस एक कवाड़ा गाड़ी भाई अब मेरे से बिल्कुल भी भाई चला ही नहीं जाती। और गाइस इस कवाड़ा वैन के अंदर भाई एक जोकर भी है। हाँ गाइस, अभी इस वैन को भाई मैं सर्कस से ही लेके आ रहा हूँ, और जोकर भाई आराम से अंदर सो रहे। और वीट भाई सब बैलास गैंग के पास मैंने सच में देखी क्या गाड़ी भाई? वो गाड़ी देखो गाइस क्या मस्त लग रही है यार। लेकिन इनके पास ये गाड़ी कहाँ से आ गई? मुझे लगता है पक्का गाइस इन लोगों ने भाई ये कार कहीं ना कहीं से चोरी करी होगी। चलो गाइस उसे सोने दे दें जोकर को, आराम से जाकर के गाइस देख करके आता हूँ। लेकिन मुझे पता है गाइस ये लोग भाई गाड़ी के पास मुझे जाने भी नहीं देंगे, तो इसलिए गाइस थोड़ा आराम आराम से चलते हैं। और गाइस आज इस गाड़ी को भाई मैं यहाँ से लेकर के ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। चलो गाइस निकालते हैं फटाफट से अपना वेपन, करते हैं भाई वॉर स्टार्ट। हेलो गंजे, कर क्या रहे तू यहाँ पे? अरे गन निकाली इसने, मारो इसको। अरे ये ले भाई, तुम मारोगे मैं क्या खड़े होके देखूंगा? लेट्स गो लेट्स गो भाई, जल्दी से भागना होगा यहाँ से। अरे अरे गाड़ी लेके जा रहे, पकड़ो इसको। अरे भागो यहाँ से। चलो भाई मैंने निकाल ली गाइस गाड़ी वहां से, मजा ही आ गया यार। ये गाड़ी की एक बार लुक चेक करो भाई, कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले जस्ट और प्यारी लग रही थी, लेकिन अभी तो गाइस पता नहीं क्या ही हो गया यार। उन लोगों ने गाइस मेरे पे गन चलाई, लेकिन मेरे पे तो मार नहीं पाए। लेकिन इस गाड़ी को गाइस उन लोगों ने जरूर भाई चोट पहुंचा दी। मैं तो गाइस इस गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ डायरेक्ट भाई अपने घर के गैराज में, वहां पर जाकर इसको खड़ी करूंगा। उसके बाद गाइस बैनी को बुलाऊंगा, बैनी पक्का गाइस इसको रिपेयर कर देगा। चलो गाइस पहुंच चुका हूँ भाई मैं अपनी गली के अंदर भी भाई इस गाड़ी को लेकर के। लेकिन गाइस एक बार इस गाड़ी की हालत देखो भाई, पहले से भी ज्यादा और बुरी हो चुकी है। क्योंकि गाइस मैं यार इसको काफी स्पीड से चला रहा हूँ, और गाइस आपको पता है जब भी भाई मैं गाड़ी को स्पीड से ड्राइव करता हूँ तो उसके बाद भाई गाड़ी का क्या हाल होता है। ओ हेलो, प्लीज भाई खुल जा तू, मेरे को धोखा मत दे यार। ये गैराज के अंदर गाइस मैंने काफी टाइम से गाड़ी पार्क नहीं करी, इसलिए गाइस इसका गेट भी जाम हो गया। ऑटोमेटिक गेट था, इस गेट के पास जो कोई भी व्हीकल आता था ऑटोमेटिक खुल जाता था गाइस गेट। लेकिन लगता है भाई ये जाम हो गया, तो क्या करूं भाई, इसको कहां पार्क करके आऊं? क्योंकि मुझे पता है गाइस बैलास गैंग वाले भाई मेरे को ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे। अरे भाई चल जा भाई चल जा। ओके मैं समझ गया गाइस इसको कहां पर पार्क करके आना चाहिए मेरे को। आई थिंक ये जगह गाइस बेस्ट रहेगी, तो यहां पर मैं इसको पार्क कर देता हूं, ताकि गाइस अगर भाई वो मेरी गली के अंदर भी आए तो गाइस उनको भाई ये गाड़ी दिखे ही ना। अगर ये गाड़ी दिखेगी नहीं तो गाइस उनको मेरे पर शक भी नहीं होगा। अरे फ्रेंगल भाई तुम आगे क्या है? एक बार फ्रेंगल भाई यार ऊपर आओ फटाफट से। फ्रेंगल भाई मुझको तुमको कुछ दिखाना है। सिंचन की आवाज है यार, ये सिंचन मेरे को छत पर बुला रहा है, जल्दी आओ। फ्रेंगल भाई किधर हो? आ रहा हूँ सिंचन के बच्चे। क्या हो गया भाई तेरे को? यहाँ पर देखो फ्रेंगल भाई मेरे पास क्या चीज है। तेरे पास यहाँ पर मुझे तो सिंचन कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख नहीं रही? इतनी बड़ी बोतल रखी हुई है, बोतल तो मुझे दिख रही है, लेकिन इसको दिखाने के लिए बुलाया क्या तूने मेरे को? और क्या फ्रेंगल भाई तुमको पता है ये जादुई बोतल है, इस बोतल से मैं फ्रेंगल भाई सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता है। लगता है सिंचन सुबह सुबह तेरी हट गई है। अरे नहीं, अभी फ्रेंगल भाई इस बोतल से मैं पानी पी रहा था, उसके बाद मैंने बोला काश यार बहुत तेज हवा चल जाए, तो फ्रेंगल भाई तुम्हें पता है एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगी। और मुझे पता है ये ना इस बोतल का ही कमाल है, ये पक्का फ्रेंगल भाई जादुई बोतल है। अच्छा अगर सिंचन ये जादुई बोतल है तो तू भाई मेरे को दोबारा से तेज हवा चलवा के दिखा। ठीक है ठीक है, बोतल भाई मेरी बेइज्जती मत करवा दिया। तो ठीक है फ्रेंगल भाई तुम रेडी हो ना? हाँ सिंचन मैं तो रेडी हूँ। तो ठीक है बोतल भाई चल बहुत तेज हवा चलवा लॉस सैंटोस में। हवा तो कहीं तक भी नहीं चली सिंचन, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है। अरे फ्रेंगल भाई चलेगी, थोड़ी देर रुको तो सही। ये लो भाई, भाई साहब तगड़ी डुबकी मार दी मैंने। चलो गाइस अब चल के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उसके बाद गाइस मेरे को गाड़ी को भाई रिपेयर करने के लिए भी दे करके आना है भाई बहनी को। अरे बोतल यार तेरे को मेरी बेइज्जती करवानी जरूरी थी क्या? जब मैंने भाई तेरे से पहली बार बोला हवा चलवा दे, जब तो तूने हवा चलवा दी। चल ठीक है बोतल, अब यहाँ पर फ्रेंगल भी नहीं है, मैं और तू अकेले हैं। चल अब मेरी मैजिक वाली बोतल भाई तू यहाँ पर तेज तेज बारिश करवा दे। अरे वाह ये चेक करो गाइस, तेज तेज भाई बारिश स्टार्ट होगी। और भाई बादल देखो गाइस कितने सारे आ गए, और भाई बिजली भी कड़क रही है। चले चल के फ्रेंगल भाई को बता के आते हैं। फ्रेंगल भैया मेरी बात सुनो। ओए सिंचन भाई अचानक से ये बारिश कैसे स्टार्ट हो गई? अभी तक तो सिंचन मौसम भाई एकदम सही था, मेरे को सिंचन भाई कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है सिंचन भाई अपने पूरे लॉस एंटोस के अंदर सिंचन सुनामी आने वाली है। तुम बोले थे फ्रेंगल भैया अभी सुनामी लेकर आ जाओ, लगता है सिंचन तू पागल हो गया है, तू कैसे कैसी बातें कर रहा है। जैसे सिंचन मैं घर पर आया तू बोल रहा है कि हवा तेज चल जाए, मैजिकल बोतल क्या बोलना क्या चाह रहा है। अरे ये जो बारिश स्टार्ट हुई है ना, ये फ्रेंगल भैया मैजिकल बोतल ने स्टार्ट करवाई है। अब सिंचन फिर तो शुरू हो गया, ऐसा सिंचन हो ही नहीं सकता। अरे गाइस आप लोग यार बताओ फ्रेंगल भैया को, गाइस यार ये मैजिक बोतल का कमाल है, गाइस आप लोग बताओ। फ्रेंगल भैया तो यार मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, फ्रेंगल भैया वो सच में यार मैजिक बोतल है। अगर गाइस आप लोगों को भी लगता है यार वो मैजिक बोतल है, तो आप लोग गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और गाइस कमेंट में यस लिखो। मेरे को तो गाइस सिंचन की बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, आपकी बात पे गाइस विश्वास हो जाएगा। तो गाइस आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। हां गाइस जल्दी वीडियो को लाइक करके और कमेंट में यस भी लिख दो भाई। मैं तो जा रहा हूं गाइस दोबारा से मैजिकल बोतल के पास, और जाकर के कुछ और करवाते हैं भाई उससे। अबे बेवकूफ तो ये मेरे को कौन सी पतली सी गली में लेकर आ गया? आज से पहले मैं ऐसी गलियों में
तक कभी नहीं आया। अरे बॉस यहीं तो रहते हैं वो फ्रैंकलिन है, जिसने बॉस हमारे अड्डे पर आकर मारपीट करी और साथ ही साथ में गाड़ी चुरा कर ले गया। उसे तो छोड़ूंगा नहीं, एक बार तू उसका घर दिखा दे, देखना चाहता हूँ मैं उसका घर और उसकी शक्ल। रोको बॉस रोको, यही घर है बॉस उसका। तो ये घर है इसका? तो यहाँ पर मेरी गाड़ी वो लेकर आया, मुझे लगता है इसने वो गाड़ी कहीं छुपा दी होगी। मेरी बात अब तू ध्यान से सुन चले, रात के ठीक 12 बजे तुझे यहाँ पर अपने पूरे के पूरे 100 बंदे लेके आने, समझ गया क्या बॉस? ठीक है बॉस, लेकर आने, लेकिन उसके बाद करना क्या होगा? 100 बंदे लेकर आना है, उसके बाद फ्रैंकलिन के घर पे काफी सारी आरपीजी गन चलानी है और इसको ब्लास्ट कर देना है, और साथ ही साथ में काफी सारे स्टिकी बम लेके आना। इसका भर बचना नहीं चाहिए, इसे भी तो पता लगना चाहिए आखिरकार बैलास गैंग से लड़ने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि अब हम पुरानी गैंग नहीं रहे। पिछली बार मुझे याद है फ्रैंकलिन ने ठीक 12 तारीख को आकर के हम पर हमला करा था और साथ ही साथ में सब लोगों को मार करके ये गया था, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका और मैंने अपनी गैंग भी काफी डेवलप कर लिए, तो इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला अब। तो गाइस अभी मैं अपनी बोतल को ना यार यहाँ सामने वाली पहाड़ी पर लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि गाइस अब मैं यार अपनी जादुई बोतल से ना कुछ क्रेजी करवाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से गाइस हमारी ये जो सामने वाली पहाड़ी है ना, यहाँ पर गाइस ज्यादा पेड़ है ही नहीं। ज्यादा पेड़ कहाँ गाइस, सिर्फ 2-3 पेड़ है। एक तो गाइस अब मेरे सामने दिख रही है ये बड़ा वाला पेड़, और ये देखो ये छोटे छोटे पेड़ है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ गाइस यहाँ पर ना बहुत सारे पेड़ आ जाए। तो ठीक है गाइस, अब अपनी मैजिकल बोतल से मैं यही कहने वाला हूँ, मैजिकल बोतल अब तो फटाफट से काम कर, बारिश बंद कर, और भाई यहाँ पर काफी सारे पेड़ लेके आ जा। अरे वाह अब तो कन्फर्म हो गया गाइस, पूरा कन्फर्म हो गया यार, ये मैजिकल बोतल है। ये देखो गाइस यहाँ पर पेड़ आ गए भाई, बहुत बड़े बड़े। और गाइस एक सेकंड के अंदर बताओ कोई पेड़ इतना बड़ा हो सकता है क्या? लेकिन गाइस अभी देखो यार एक सेकंड में यहाँ पर 4-5 पेड़ आ गए, और यार ये बहुत बड़े बड़े। और साथ ही साथ में मैंने इससे बोला था कि यार बारिश भी बंद हो जाए, तो गाइस बारिश भी बंद हो गई, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा आखिरकार गाइस ये बोतल भाई हमारे घर में लेकर कौन आया? फ्रैंकल भैया तो लेकर नहीं आए होंगे, पता नहीं यार कौन लेकर आया होगा। चलो 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 भाई इसको लेकर के चलता हूँ दोबारा से घर पे। इस बार गाइस फ्रैंकल भैया की आंखों के सामने मैजिक करके दिखाऊंगा, जब भी उनको विश्वास होगा यार मेरे पर। मुझे लगता है गाइस जहाँ पर भाई मैंने गाड़ी अभी पार्क करी है वो बिल्कुल भी भाई सेफ जगह नहीं है। चलो गाइस गैराज का गेट दोबारा से ओपन करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद गाइस गाड़ी को भाई अंदर ही पार्क करूंगा। अरे फ्रैंकल भैया मैंने तुम्हारे पास यार था, फिर सिंचन तो इस बोतल को लेकर के घूम रहा है। अरे भाई सिंचन इस बोतल को तोड़ना पड़ेगा। अरे फ्रैंकल भैया सामने देखो, सामने क्या है सिंचन? मुझे तो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुमको फ्रैंकल भैया बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखाई दे रहे क्या? नहीं सिंचन, बड़े बड़े पेड़ तो नहीं दिखाई दे रहे। ये पेड़ है सिंचन जो भाई काफी टाइम से भाई अपने जस्ट घर के बाहर है। अरे लगता है फ्रैंकल भैया तुमको कर ही दिखाना पड़ेगा मैजिक। अरे मेरी जादुई बोतल एक काम कर, तूने भाई यहाँ पर एक डायमंड का पीस लिया। ओए सिंचन ये तो भाई डायमंड है, लेकिन ये डायमंड यहाँ पर कहाँ से आ गया? अरे अभी तो मैंने बोला। नहीं सिंचन, तूने बोला यहाँ पर डायमंड आ जाए और भाई यहाँ पर डायमंड हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये जादुई बोतल है, अभी जो बारिश बंद हुई है मैंने करवाई है, और बारिश स्टार्ट भी मैंने करवाई है। इसका मतलब गाइस सिंचन का बच्चा मेरे से झूठ नहीं बोला भाई, ये सच में एक रियल भाई जादुई बोतल है, और इससे बोल करके गाइस हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी। तो ठीक है फ्रैंकल भाई यार अब तुम्हें भी विश्वास हो गया और मेरे को भी विश्वास हो गया। तो ठीक है फ्रैंकल भैया, अभी जादुई बोतल से ना मैंने लगातार फ्रैंकल भाई यार बहुत कुछ सोच करके देखता हूँ, क्या पता है फ्रैंकल भाई यहाँ पर बहुत कुछ एक साथ हो जाए। हाँ सिंचन मैं भी कुछ क्रेजी सा ही सोच रहा हूँ, मेरे को बस सिंचन अब तू ना सोचने दे, और सिंचन कुछ भी भाई आलतू फालतू मत मांग लियो से। अरे रुको फ्रैंकल भैया, मैं सबसे पहले यहाँ पर ना एनिमेटेड डोर मांगूंगा, जिससे फ्रैंकल भैया हम यार कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सिंचन वो काम कैसे करता है? अरे मुझे पता है कैसे काम करता है। और गाइस अभी मैं ना एक साथ भाई इतनी सारी चीजें मांगूंगा कि गाइस पूरा लॉस सेंटर्स भर जाएगा, और साथ ही साथ में लॉस सेंटर्स में फ्रैंकल भैया वो ले आऊंगी यार सुनामी। अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सिंचन? मुझे लगता है सिंचन तेरे पास भाई ये बोतल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चले काम करते हैं, इस बोतल को तू मेरे को दे, मैं तेरे को बोतल भाई कल ला कर देता हूं। फ्रैंकल भैया इस बोतल को ना हाथ मत लगा देना, मेरी बोतल है हनी। तो चलो गाइस कुछ क्रेजी सा सोच के देखते हैं यार, अपने लॉस सेंटर्स के अंदर भाई बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाए। अरे वाह हो गया गाइस, हो गया मौसम, हो गया फ्रैंकल भैया देखो। हाँ सिंचन मौसम तो बारिश का हो चुका है, लेकिन तूने बोला भाई बड़े बड़े पत्थर और सिंचन गिरने लगे, मैं तो सिंचन मजाक समझ रहा था, बंद करवा। अरे वाह मजा आ रहा है, लेकिन यार इसका साइज देखना यार कितना बड़ा पत्थर है, और ये तो आग की गोले भाई। अगर ये सोचो गाइस मेरे ऊपर गिर गए तो मैं तो दब जाऊंगा। फ्रैंकल भैया बोलो बोतल से बोलो। अरे सिंचन, अरे बोतल भाई जल्दी से ये जो कुछ हो रहा है बंद हो जाए। अरे नहीं हो रहा फ्रैंकल भैया, क्या नहीं हो रहा सिंचन? भाई सिंचन मुझे लगता है ये तेरी बात मानता है, तू बोल। ठीक है गाइस मैं बोलता हूं, बोतल भाई ये काम कर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बंद हो जाए। अरे लो फ्रैंकल भैया अभी भी बंद नहीं हुआ। मुझे लगता है सिंचन तू मरवाएगा भाई, पूरे लॉस सैंटोस के लोगों को मरवाएगा। पता नहीं गाइस अब क्या होने वाला है भाई अपने लॉस सैंटोस में, दोबारा बोल। अरे यार ये सब बंद हो जाए। चलो यार फाइनली गाइस जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ भाई बंद हो चुका है। लेकिन गाइस वो जो बड़े बड़े भाई आग के गोले गिरे थे वो गए कहां सिंचन? वो तो गायब हो गए भाई। मैंने सोचा था गाइस अभी देखूंगा भाई साइज में कितने बड़े स्टोन है वो, लेकिन गाइस सब कुछ गायब हो गया। यार ये बोतल तो सच में गाइस काफी ज्यादा क्रेजी है भाई, आप देख
देखना गए सारे न्यूज वाले भाई बोलने लग जाएंगे। अचानक से गए लॉस सैंटोस के अंदर भाई, आंख के गोले गिरने लगे और अचानक से मौसम एकदम साफ भी हो गया। यार ये बोतल तो सच में काफी अल्टीमेट लेवल की है सिंचैन, हम तो इससे भाई पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। सोच सिंचैन, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन फ्रेंगिल भाई यार सोचा अगर इस बोतल का कुछ हो गया। अबे सिंचैन ऐसा मत सोच, अभी तो अपनी कहानी शुरू भी नहीं हुई, तो पहले खत्म और कर दे। तो लेट्स गो। मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी गए हम बढ़िया से यहाँ पर गाड़ी मांगते हैं और इस बोतल को लेकर चलते हैं गैस एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ गैस काफी ज्यादा खुली जगह है, वहाँ पर हम जो चाहे वो कर सकते हैं भाई। तो ठीक है गैस, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मांगने वाला हूँ गैस लिमोजिन कार, ये ठीक रहेगा। अरे नहीं 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 फ्रेंगिल भाई, लिमोजिन कार नहीं, मेरी फेवरेट कार मांगो। तो बता सिंचैन कौन सी कार चाहिए तेरे को। तो बोतल भाई, बोतल भाई, यहाँ पर तो एक बढ़िया सी लैम्बोर्गिनी लिया। तो ये चेक करो गैस, अपने पास यहाँ पर आ गई है यार एक ओपी वाली लैम्बोर्गिनी। लेकिन रुक जाओ फ्रेंगिल भाई, बोतल के भीतर रखो, इसके अंदर जगह होगी। रुकना सिंचैन, बोल देता हूँ फटाफट से। अरे तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, तो तू ही बोल दे। अरे बोतल भाई तू गाड़ी में जाए, ये चेक करो गैस बोतल गाड़ी के अंदर आ गई। यार सिंचैन ये बोतल तो सच में काफी क्रेजी है, और बोतल के साथ ही साथ में गैस अपनी गाड़ी भी भाई किसी से कम नहीं लग रही, ये भी भाई काफी ज्यादा ओपी लग रही है गाड़ी। भाई ऐसी गाड़ी और ऐसी मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी तो मैंने गैस पूरे लॉस सैंटोस में कहीं नहीं देखी भाई। अपने पास ये गैस लैम्बोर्गिनी, और सिंचैन सोच भाई हम तो काफी ज्यादा लैम्बोर्गिनी सोच सकते हैं। उसके बाद सिंचैन वो सारी की सारी अपने पास आ जाएंगी। अरे हम नहीं सिर्फ और सिर्फ मैं, समझ रहे हो प्रियंगल भाई, अब तुमको ना मेरा कहना मानना होगा, क्योंकि भाई ये बोतल सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कहना मानती है। तुमने देखा नहीं जब तुम बोल रहे थे प्रियंगल भाई कि भाई ये बंद हो जाए, ये जो भी आंख के गोले गिर रहे तो बंद हुए थे। हाँ तो सिंचैन पहली बारी में तो भाई तेरे बोलने से भी बंद नहीं हुए थे। अरे हाँ ये तो तुम ठीक कर रहे हो, जब दूसरी बार बोला था ना मैंने जब बंद हुए थे। और सिंचैन ये घर देखियो भाई, ये घर मेरे को सच में काफी ब्यूटीफुल लगता है। तो क्या बोलते हैं सिंचैन, बना ले गया भाई इसका अपना घर। हाँ तो ठीक है प्रियंगल भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। बोतल भाई ये जो हमारे सामने घर है ये हमारा हो जाए। लेट्स गो गाइस, अब अंदर चलते हैं। लेट्स सी, देखते हैं गाइस आखिरकार इस घर का ओनर हमसे भाई किस तरीके से रिएक्ट करता है। मेरे को लगता है गाइस वो ना भाई अपना बोरिया बिस्तर बांध के अब इस घर से निकल जाएगा, क्योंकि ये घर भाई मेरा और सिंचैन का जो हो चुका है काफी ज्यादा लग्जरी है भाई। बाहर से जितना अच्छा लगता है ना, उससे भी ज्यादा गाइस अंदर से ब्यूटीफुल लग रहा है ये घर तो। और इसका बाथरूम देखना गाइस कितना बड़ा है। चलो चलो गाइस ये सब तो बाद में देखेंगे, पहले गाइस फटाफट से चलते हैं भाई अपन एयरपोर्ट की तरफ। तो वहां पर चलकर गाइस कुछ क्रेजी सा करते हैं। अरे फ्रेंगिल भाई यार मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्रेंगिल भाई ये वाला घर तो हमारा हो चुका है। अब फ्रेंगिल भाई हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारे पुराने वाले घर का क्या होगा? पुराने वाला घर भी सिंचैन अपना ही रहेगा, उसकी तुम्हें क्यों प्रॉब्लम ले रहा है? मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि सिंचैन आज भाई मैं काफी ज्यादा क्रेजी चीज करने वाला हूँ भाई एयरपोर्ट पे जाकर के। अरे लेकिन फ्रेंगिल भाई तुम इस बोतल से कुछ बोलकर देखो, ये तुम्हारा कहना मानती है नहीं बनती। तो ठीक है सिंचैन मैं बोलता हूँ, अभी गाइस इस गाड़ी का भाई एसी ऑफ हो रखा है और मुझे लग रही है गर्मी, तो मैजिकल बोतल एक काम कर भाई तू गाड़ी का एसी ऑन कर दे। अरे वाह हो गया। हाँ सिंचैन हो गया भाई, गाड़ी का एसी ऑन हो गया ऑटोमेटिक। बढ़िया भाई बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं है कि गाइस मैजिकल बोतल भाई सिंचैन की सिर्फ बात मानती है, ये गाइस हर किसी की बात मान सकते हैं। तो गाइस इस बोतल की भाई सेफ्टी रखना काफी जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है गाइस किसी ना किसी को इस बोतल के बारे में तो अब जरूर पता लगेगा लॉस सैंटोस के अंदर, और भाई वो इस बोतल को भाई जरूर चोरी करना चाहेगा। तो गाइस इसकी सेफ्टी भी भाई हमको रखनी पड़ेगी। लेट्स गो गाइस, पहुंच चुके हैं भाई हम अपनी कार को लेकर एयरपोर्ट पे, और सामने की तरफ से गाइस एक प्लेन है जो भाई लैंड हो रहा है। ये देख सिंचैन तूने आज तक भाई कभी प्लेन लैंड होता हुआ देखा होगा? आज देख ले। अरे वाह गाइस हमने तो अपनी गाड़ी यार प्लेन के जस्ट नीचे से निकाली, मजा ही आ गया सिंचैन। लेट्स गो गाइस, एक काम करते हैं प्लेन से भाई रेस लगा के देखते हैं। इस टाइम गाइस पता नहीं प्लेन कितनी स्पीड पर जा रहा होगा, लेकिन गाइस इस टाइम अपनी गाड़ी 150 की स्पीड पर जा रही है। और ये चेक कर सिंचैन, प्लेन से भाई अपन रेस लगाए और अपन जीत भी गए। अरे वाह बहुत बढ़िया है, एक काम करें इसके आगे लगा दो गाड़ी को। ठीक है सिंचैन देखते हैं क्या होता है। और ये देखो गाइस प्लेन ने अपनी गाड़ी को हिला दिया, मुझे लगा गाइस हिला नहीं पाएगा। ठीक है गाइस लैम्बोर्गिनी है भाई, लेकिन प्लेन से ज्यादा भारी तो हो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी गाइस एक और बार ट्राई करते हैं। और वेट, पायलट ने गाइस पहले ही रोक दिया इसको। चलो गाइस हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले गाइस मेरा प्लान ये है कि हम यहाँ पर गाइस काफी सारे सिंचैन के डुप्लीकेट बनवाने वाले हैं। क्या बोला क्या बोला, दोबारा बोलना सिंचैन। यहाँ पर हम भाई काफी सारे डुप्लीकेट बनाएंगे, तेरे मेरे और भी सिंचैन काफी सारे अपने दोस्तों के, तो सिंचैन सच में काफी मजा आने वाला है। अरे हाँ गाइस बहुत मजा आएगा यार, मैं तो अपने हमसे कल को देखने वाला हूँ आज तो। तो ठीक है सिंचैन देखते हैं गाइस हमको बोतल निकालने की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती। तो बोतल यहाँ पर सिंचैन के डुप्लीकेट बना दे। ओ भाई साहब सिंचैन रियल सिंचैन कौन सा है? अरे फ्रेंगिल पे दिख रहे यार इतनी सारी सिंचैन। गाइस ये चेक करो भाई यहाँ पर कितने सारे सिंचैन आ गए, जो भी मेरे पीछे आएगा वो इस रियल सिंचैन होगा। तो फ्रेंगिल भैया मैं ही तो हूँ यार रियल सिंचैन, जब तक मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो इसका मतलब गाइस यहाँ पर ये जितने भी सिंचैन है इनमें जान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गाइस ये डुप्लीकेट है। आई थिंक इनको गाइस हम स्टैचू कह सकते हैं।
लेकिन भाई डिट्टो सिंचन लग रहे हैं भाई, कहीं से भी भाई ये स्टैचू नहीं लग रहे। एक काम करता हूँ, इनको गैस गोली से उड़ा कर देखता हूँ। ओ नहीं 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 फ्रेंगल भाई, ऐसे मत करो यार, मेरे को बहुत दर्द होगा। बोल तो सिंचन भाई, तो सही रहा है, क्योंकि सिंचन भाई अगर मैं तेरे डुप्लीकेट को भी मारूंगा ना, तो भाई मेरे को भी दर्द होगा, मेरे को ऐसा लगेगा गैस जैसे भाई मैं रियल सिंचन को मार रहा हूँ। तो अब अरे फ्रेंगल भाई तुम्हारे डुप्लीकेट लाने की। हाँ सही बोल रहा सिंचन, अपने डुप्लीकेट को तो भाई मैं जितना मर्जी मार लूंगा, मेरे को गैस कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे तो फिर तो फ्रेंगल भाई मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मैं भी फ्रेंगल भाई अपने डुप्लीकेट को मार रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है सिंचन, तू कहाँ पर है? अरे यहीं पर तू मैं, लेकिन सिंचन तू यहाँ पर है तो ये तीन तीन भाई सिंचन काय को हिले, तीन नहीं गए चार सिंचन हिले। अरे भाई रियल सिंचन कौन सा है? फ्रेंगल भाई मैं यूं जिसको तुम टच कर रहे हो। अब मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले कौन से सिंचन को मारूं। चल ठीक है सिंचन, तू यहाँ पर फाइट करता रहे, मैं जब तक गया यहाँ पर भाई अपने डुप्लीकेट लेकर के आता हूँ, वो भी लाइन से काफी सारे। तो यहाँ पर मेरे सामने भाई मेरे काफी डुप्लीकेट आ जाए, और साथ ही साथ में बैनी के भी। तो ये चेक करो गाइस एक बार, यहाँ पर भाई कितने सारे मेरे डुप्लीकेट स्टैचू आ चुके हैं, और यहाँ पर बैनी के बच्चे, ये ले। बहुत ही बढ़िया गाइस, भाई ये बैनी का स्टैचू है, और गाइस जब मैं इसको मार रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाई मैं सच में किसी रियल बंदे को मार रहा हूँ, और मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं मारना चाहूंगा भाई। और ये ले बैनी के बच्चे, बैनी के बच्चे, ये ले। बहुत ही बढ़िया गाइस, मजा आ रहा है भाई इसके स्टैचू को मारने में तो बढ़िया। लेकिन भाई अगर बैनी यहाँ पे आ गया ना, तो पक्का भाई वो तो मुझसे गुस्सा ही हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैं रियल के बैनी को थोड़ा ना मार रहा, मैं तो जस्ट उसके स्टैचू को मार रहा हूँ। चलो ठीक है गाइस, ये गया। हेलो फ्रैंकलिन भाई, तुझे भी मारूं क्या? गाइस एक बार अपना निशाना चेक करता हूँ, मैं अपने फ्रैंकलिन को मार पाता हूँ या नहीं, ये चेक करो गाइस। उसके जस्ट पैर पे भाई मैं एकदम उसके पास ही मार रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी गाइस उसके पैर पे भाई मैं नहीं मार पा रहा। इसका मतलब गाइस मैं भाई काफी परफेक्ट गन चलाना सीख गया हूँ यार। बहुत बढ़िया यार, मजा ही आ गया। लेकिन अब मेरे को क्या करना चाहिए यार? और भाई ये डिट्टो भाई मेरी तरह, अगर गाइस मैं जस्ट अपने स्टैचू के साइड में एक बार खड़ा हो जाऊंगा ना, तो गाइस पहचान ना भूल जाओगे आखिरकार कौन सा रियल फ्रैंकलिन है। अरे गाइस एक बार ये चेक करो भाई, फ्रैंकलिन भाई वहां पर क्या टाइम पास कर रहे हैं। और मैंने गाइस यहां पर भाई मेहनत करके देखो कितनी सारी गाड़ी बना ली। सिंचन भाई इतनी सारी गाड़ी एक सेकंड में आई है क्या? और क्या तुम्हें इससे पहले यहां पर कोई गाड़ी दिख रही थी क्या? नहीं सिंचन, जब तो पूछ रहा हूं भाई एक सेकंड में इतनी सारी गाड़ी तू कैसे लेकर के आ गया? तूने बोला क्या? अरे मैंने बस फ्रैंकलिन भाई बोल दिया वर्ल्ड की बेस्ट गाड़ी यहां पर आ जाए, तो गाइस ये सारी गाड़ी यहां पर आ गई। इसका मतलब गाइस यहां पर जितनी भी गाड़ी है सारी की सारी गाड़ी भाई वर्ल्ड की बेस्ट गाड़ी है। लेकिन गाइस मेरे को लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी गाइस यार होंगी भाई जब तो ये सारी की सारी गाड़ी यहां पर। चलो गाइस मैं तो भाई थोड़ा सा गाड़ी चलानी सीख लूं, क्योंकि गाइस मेरे को फ्रैंकलिन भी अपनी गाड़ी चलानी तो देते नहीं है। वैसे भी इनकी खटारा वैन है गाइस, खटारा वैन भी मेरे को चलाने नहीं देते, बोलते हैं कि यार कहीं मैं ठोक ना दूं। अब तो गाइस मेरे पास बहुत सारी गाड़ी और यहां पर खुली जी गए, मैं तो गाइस गाड़ी चलाना सीख ही लूंगा। आप लोग गाइस बस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग ना गाइस कमेंट करके ही बताओ आखिरकार गाइस इस बोतल से भाई मेरे को और क्या क्या करना चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा था गाइस, मेरे पास भाई आरपीजी गन है, और यहाँ पर गाइस इतनी सारी गाड़ियां भी हैं, तो क्या बोलते हो गाइस आरपीजी गन को भाई मैं ट्राई करके देख लूं क्या? बढ़िया है भाई बढ़िया है, लेट्स गो गाइस। मैंने गाइस अपनी जो गाड़ी है भाई वो दूसरी साइड पार्क कर दी है, और गाइस उसके अंदर भाई बोतल भी जो है। तो ठीक है गाइस अपनी आरपीजी गन निकालते हैं, और मेरा आइडिया सिर्फ और सिर्फ गाइस इतना है, आरपीजी गन जस्ट गाइस मैं वहां बीच में छोड़ूंगा, उसके बाद गाइस यहां पर आप जितनी भी गाड़ियां देख रहे हो ना सारी की सारी गाड़ियां भाई एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगी। अब तो गाइस अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गाइस हम दोबारा से भाई गाड़ियों के बारे में सोचेंगे, इतनी गाड़ी ऑटोमेटिक दोबारा आ जाएंगी। और ये चेक करो भाई धमाका स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। लेकिन वेट, सारी की सारी गाड़ियां क्यों नहीं ब्लास्ट हुई? कोई बात नहीं गाइस, एक गाड़ी पे बस आरपीजी गन चलानी है, उसके बाद गाइस सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट होती रहेंगी। और अभी भी गाइस सारी गाड़ियां ब्लास्ट नहीं हुई है भाई, लेकिन आधे से ज्यादा गाड़ियां भाई ब्लास्ट हो चुकी है। यहाँ पे तगड़ा ही धमाका हो गया भाई, मुझे लगता है भाई अब ये जो एयरपोर्ट है ना ये प्रॉपर भाई बंद होने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पे भाई इतनी सारी गाड़ियां जो ब्लास्ट होगी। हाँ भाई जो भी इस एयरपोर्ट का ओनर होगा गाइस इस एयरपोर्ट को वो बंद कर देगा, यहाँ पर ना तो गाइस फ्लाइट उड़ेंगी और ना ही गाइस फ्लाइट लैंड करेंगी। बढ़िया यार, देखना गाइस काफी क्रेजी हो गया। मेरा तो गाइस ऐसा कोई सपना था कि भाई मैं इतना अमीर बन जाऊं कि भाई मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हो भाई महंगी महंगी उन सारी गाड़ियों को भाई मैं ब्लास्ट कर सकूं। और आज देखो भाई अपन इतने अमीर बन चुके हैं गाइस, महंगी महंगी गाड़ियों को ब्लास्ट कर रहे हैं, मजा आ गया गाइस सच में। लेकिन गाइस सही बताऊं तो ये गाड़ी की हालत मेरे से देख ही नहीं जा रही, बेचारी गाड़ियों को देखना गाइस क्या हो चुका है। और गाइस अब मैं सोच रहा हूं भाई ये जो आप एयरपोर्ट देख रहे हो, एयरपोर्ट गाइस पूरा का पूरा भाई खाली पड़ा हुआ है। अब गाइस इस पूरे एयरपोर्ट में मैं बनाने वाला हूं काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। हां गाइस पूरा एयरपोर्ट भर दूंगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बना करके, और गाइस उसके बाद सारी बिल्डिंगों को गाइस नीचे गिरा देंगे, वो होगा गाइस सबसे क्रेजी। हाँ गाइस सच में उधर तो और ही ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस आप लोग इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो फटाफट से गाइस कमेंट कर दो। और गाइस अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट से गाइस अभी के भी यार इस वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, गाइस प्यारा वाला बाय।